इस बांसुरी को देख रहे हैं आप? इसकी मधुर धुन सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता है, परंतु इसकी उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता जो इसने बांस से बांसुरी बनने में पाई है। पीड़ा सहकर ही इसमें से सुर निकलते हैं जो मन को शांति देते हैं। इसी प्रकार पत्थर से प्रतिमा को देव रूप बनने में छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, तभी उसकी पूजा होती है। बात यह है कि निर्माण के लिए स्वयं के टूटने का विज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब टूट कर चूर हो जाओगे तभी नया अस्तित्व पाओगे, अर्थात शक्ति पाने से पूर्व पीड़ा का भोग करना आवश्यक है। यदि पीड़ा से भागोगे तो शक्ति नहीं पाओगे। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको बांस बनकर रहना है या बांसुरी, पत्थर बनकर रहना है या प्रतिमा के रूप में सजना है। ये निर्णय आपका है।